नमस्कार। भाकपा माले ने नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर मनाया काला दिवस। आज गढ़वा के लोहिया भवन में भाकपा माले द्वारा 8 नवंबर को काला दिवस के रूप में बैठक आयोजित कर मनाया गया। नोटबंदी और जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आलोचना करते हुए गढ़वा जिला में घट रही आपराधिक घटनाओं पर भाकपा माले जिला सचिव कालीचरण मेहता ने कहा कि भाकपा माले गढ़वा जिला के नेतृत्व में आज जो मोदी जी जिस नोटबंदी को कहे कि आज ही की तारीख देश के सामने जो अचानक थोपे थे 500 और हजार वाला नोट को बंद करके बोले कि भाई अब हमें इस देश में काला धन पर वार करना है, लेकिन हम लोग जो आज साल भर हो चुका इससे जो दिखाई दिया कि काले धन वाले लोगों को सफ़ेद करने में काफ़ी यहाँ की सरकार मददगार साबित हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह को 16,000 गुना बढ़ोतरी धन का हुआ, ये साबित कर दिया कि जो काला धन रखने वाले लोग थे उन्हें सफ़ेद करने में और उनकी संपत्ति बढ़ाने में कारगर साबित हुआ नोटबंदी। इसलिए भाकपा माले आज काला दिवस के रूप में पूरे देश के पैमाने पर कहीं वामपंथी यानी सब मिलकर के कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ तक कि गढ़वा में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और इस देश की जनता को बतला रहे हैं कि नोटबंदी के समय जो हम पीड़ा झेले थे, इस देश के नागरिक जो परेशानी झेले थे, जो कष्ट उठाए थे, वो हम भूले नहीं हैं। मोदी जी भुलवा देना चाहते हैं, लच्छेदार भाषणों से लोगों को मैंने भरमाने की कोशिश करते रहे हैं। वो भी नोटबंदी भी पहले की तुलना में जुमला की ही तरह साबित हुई है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित एपुआ नेत्री सुषमा मेहता, अनिता तिवारी, विनय यादव, डंडा प्रमुख वीरेंद्र चौधरी, मुस्लिम अंसारी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।